सो गाइस, अगर आप कुवैत देश जाते हो तो पीसीसी लगती है उसमें, तो पीसीसी होता क्या है भाई? आपको फुल फॉर्म बताएंगे पीसीसी का क्या होता है, किस काम में आती है, आपको पहले कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, और ये जो है कितना पैसा इसमें लगता है, कितने दिन में आ जाती है, वैलिडिटी क्या होती है इसकी, कितने दिन तक वैलिडिटी होती है, फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो शुरू से लेकर के आखिर तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, अपने भाई का सपोर्ट करें। हम गल्फ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं कि हम इंडियन लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, उनकी क्या लाइफ स्टाइल होती है, किस जॉब में क्या सैलरी होती है। अगर आपका कोई सा भी सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो करना, कमेंट्स करना, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। सो गाइस, चलो वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप लोग, आई होप ठीक होंगे, हम भी ठीक है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, फुल वॉच करना वीडियो, आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, आपको कोई और वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। पीसीसी होती क्या है, किस काम में आती है, और आपको पहले कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि पीसीसी मतलब पहले आपको कराना चाहिए कि बाद को कराना चाहिए, इसके बारे में हम आज आपको बताते हैं। तो भाई, अगर आपका एजेंट बोला, जैसे कि आपने कुवैत का वीजा अप्लाई कर दिया है, अगर आपका एजेंट बोला 15 दिन के अंदर, अगर वो 15 दिन के अंदर वीजा आपको दे रहा है, तो आप पहले ही पीसीसी ऑनलाइन करा लो भाई। अगर वो 15 दिन का वादा ले रहा, अगर वो एक महीना डेढ़ महीना लग रहा कन्फर्म नहीं करा, तो आप पीसीसी मत कराना। क्योंकि होता क्या है भाई, पीसीसी की वैलिडिटी पहले 6 महीने की होती थी, हालांकि वैलिडिटी उस पर लिखी नहीं होती है। जो एयरपोर्ट वालों का रूल्स था और एमबीसी का जो रूल है, बोले जब आप पासपोर्ट स्टंप के लिए भेजते हो तो वहां पे रूल पहले क्या था, 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपका पीसीसी है और वैलिडिटी है 6 महीने के अंदर अंदर की, तो वो स्टंप कर देते थे। लेकिन अभी क्या रूल बदल गया, 3 महीने के अंदर अगर आपकी वैलिडिटी 3 या 3.5 महीना हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 4 महीना हो रहा है तो वो लोग वापस कर देते हैं, स्टंप नहीं करते। तो भाई, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप वीजा अप्लाई किए हो, अगर आप कुवैत का वीजा अप्लाई किए हो भाई, अगर आपका एजेंट बोल रहा है कि अगर 15 दिन के अंदर वो वीजा दे रहा, तो आप पीसीसी ऑनलाइन करा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस क्या होता है ऑनलाइन कराने का, क्या खर्चा इसमें आता है भाई, तो आपको हम बताते हैं। पीसीसी का जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का, वो 500 रुपए होता है, और अगर आप जनसेवा पे जाते हो तो 600 रुपए 700 रुपए ऐसे लेते हैं, वो 100 रुपए 200 रुपए चार्ज आपका लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक काम किस काम आती है पीसीसी भाई, तो पीसीसी भाई, बहुत से भाई कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अगर पीसीसी हमारा नहीं बना है, वीजा आ गया है, तो आप मेडिकल कैसे कराएं। मेडिकल में भाई पीसीसी नहीं लगती है, पीसीसी तब लगती है भाई जब आपका पासपोर्ट स्टंप के लिए जाता है एमबीसी, तब वहां पर लगती है आपकी पीसीसी। उसके बाद इसमें 2 फार्म होते हैं भाई, एक यहाँ एमबीसी में लगता है, एक कुवैत एमबीसी में आपका जमा होता है जब आप मेडिकल कराने जाते हो भाई वहां पर। तो भाई, इसमें 2 फार्म मिलते हैं, तो आपकी पीसीसी तभी लगती है, मेडिकल से इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, मेडिकल से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। बहुत से भाई कंफ्यूज रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि भाई हमारा वीजा आ गया, मेडिकल कराने जाएं कि ना जाएं, अभी हमारी पीसीसी नहीं आई है। तो उसका कहते हैं कि कौन लोग ये पीसीसी नहीं करा सकते हैं, वो लोग भाई पीसीसी, अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा, हालांकि छोटे मोटे केस होते हैं, मुकदमे होते हैं, तो उसमें इतना वो इशू नहीं रहता है, छोटे मोटे जैसे लड़ाई झगड़े के हुए, कोई बड़ा केस है अगर आपके ऊपर, पहले थाने में ही पीसीसी जाती है, वहां पर वेरिफिकेशन होता है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई मतलब कांड तो नहीं किया है आपने, फिर वहां से मतलब ये अगर ओके है तो वहां से ओके करके फिर भेज देते हैं, उसके बाद कोरियर के जरिए आपकी पीसीसी भाई आती है। अगर आपके ऊपर कोई बड़ा मुकदमा है या बड़ा कोई केस है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी पीसीसी नहीं बनेगी, आपका पैसा पूरा डाउन हो जाएगा, आप पीसीसी मत कराओ भाई। कुवैत में पीसीसी भाई लगती ही लगती है, पहले क्या था कि सऊदी में भी लगती थी, लेकिन अभी सऊदी में बंद कर दिया, लेकिन पीसीसी कुवैत में लगती है भाई। कितने दिन में आती है भाई, तो भाई बहुत से भाई कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत लेट डेट मिलती है, अगर हमने आज पीसीसी करा लिया तो आज से जोड़ा जाएगा 3 महीना, नहीं भाई, जब आपकी पीसीसी आपके हाथ में आ जाती है तब से 3 महीने की वैलिडिटी होती है पीसीसी की, हालांकि उस पर लिखा नहीं होता है, लेकिन 3 महीने की वैलिडिटी होती है पीसीसी की, जब आपका पासपोर्ट स्टंप पे जाता है तभी वहां पे पता चलता है कि कितने दिन पुरानी आपकी पीसीसी है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। छोटी सी वीडियो थी पीसीसी के ऊपर, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।